अभी खुली है फाटक और भीड़ हुई है भारी। इस भीड़ को चीरते हुए हम जाएंगे मैडम का पार्सल देने। से आप सब होप आप सब बढ़िया होंगे। और सारे भाइयों ने जय श्री राम आ चुके हैं भाई। हम कालवाड़ रोड पहली राइड लेके और दूसरी राइड ओला की 1.5 किलोमीटर पिकअप करने जा रहे हैं। कमेंट में सब अपना कमेंट ठोक दो और वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और जिसने घंटे का निशान नहीं हिलाया है भाई वो हिला दे, मतलब बेल आइकन प्रेस कर दे भाई, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और ओला उबर रैपिडो के रिगार्डिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आए सबसे पहले। ये सड़क है खराब और भाई गाड़ी को पूरी बजा दे कि भाई ये सड़क इतनी गंदी है जिसकी कोई हद नहीं। भाई हम अपने एरिया से अपोजिट आ जाते हैं ना तो सड़क हमें ऑलमोस्ट ऐसी ही मिलती है और गाड़ी वू 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 बड़ा वाऊ 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 करती रहती है। 1.5 किलोमीटर पिकअप इसलिए या क्योंकि भाई हमें यहाँ से वैसे भी खाली निकलना पड़ता और खाली निकलने से अच्छा है हम पिकअप कर लें। ये रोड भाई निकलेगी या नहीं निकलेगी, भाई गूगल मैप इतना परेशान करके रख दिया और भाई है भी या नहीं रास्ता देखना पड़ेगा। अरे बाबा देखना पड़ेगा। अपन आ चुके हैं भाई कालवाड़ रोड। एक राइड लंबी हमने उठा ली है 15 किलोमीटर की। 100 रुपये का काम हम कर चुके हैं और ये तो भाई छोटी है, 7-8 किलोमीटर की है कालवाड़ रोड से वैशाली नगर। इतनी कुछ खास अर्निंग इसकी बनेगी नहीं पर फिर भी भाई यहाँ से हमें खाली निकलना पड़ेगा। इससे बढ़िया है हम पिकअप करके निकल चलते हैं यहीं पर। ये हंड्रेड ये पकड़िए, 10 ये पकड़िए, चलो भाई 3 रुपीज देने थे, 3 रुपीज छोड़ के चले गए। भाई कई लड़कियां छोड़ के चली जाती और कई 1 रुपया भी छोड़ के नहीं जाती, तो उन्होंने छोड़ दिया है। 3 रुपये की टिप दे दी है हमें और ये करते हैं राइड कंप्लीट। वैशाली नगर में पहुंच चुके हैं और राइड हमारे पास में आ चुकी है। 2 किलोमीटर जाना है और यहीं पर आना है। ओला में ड्रॉप करते ही भाई राइड आ गई थी हमारे पास में। 1 किलोमीटर हम आ चुके हैं और भैया जी को लेके जाना है वैशाली नगर में। ज़्यादा छोटी नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी राइड है पर भाई हमें 6 राइड का टारगेट करना है जिससे ओला में हम 80 रुपये का इंसेंटिव ले चुके हैं। मतलब अपना पेट्रोल फ्री करना है बाबा आज। OTP भैया 9743। ये लीजिए भैया। तो ड्रॉप कर दिया भैया को और आ चुके हैं वैशाली नगर में और अंदर की तरफ है तो यहाँ से भाई राइड मिलना मुश्किल है। ओला के भरोसे अगर रहेंगे तो हमारी राइड छूट जाएगी। यहाँ नेटवर्क का इशू भी है भाई, नेटवर्क भी नहीं चलता। रैपिडो भी चालू करना पड़ेगा, सब चालू करना पड़ेगा भाई जब यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से खाली निकलना बेकार है। तो आज अपना ओला कुछ ज़्यादा ही साथ दे रहा है भाई, हमें उम्मीद नहीं थी भाई यहाँ से राइड मिलेगी और 600 मीटर से हमें राइड मिल गई है। और आपको पता है भाई ओला तो अच्छा पैसा देती है, रैपिडो भी अच्छा पैसा देती है, ऊबर सबसे खत्म पैसा देती है, राइड ज़्यादा देती है पर पैसा कम देती है। तो उसी पैसे की भरपूर्ति करेंगे हम ओला से। ओला पैसा भी अच्छा देगी और प्लस इंसेंटिव भी आएगा, काम तो अच्छा होने वाला है। बैक टू बैक राइड आ रही है भाई ओला की, बैक टू बैक जहाँ जा रहे हैं वहीं से आ जा रही है। चाहे पिकअप 2 किलोमीटर निकल आ रहा है पर राइड आ जा रही है हमारे पास में। 8877 बैठिए जी। आज ओला दे रही है भाई कुछ ज़्यादा ही साथ, बैक टू बैक राइड ड्रॉप करो और राइड ले लो, तुरंत राइड आ रही है हमारे पास में। और साक्षी जी की राइड आई है, 3 राइड हम कर चुके हैं, 4th राइड हम उठाने वाले हैं और जाने वाले हैं 22 गोदाम विद्याधर नगर से। 4th राइड आज हमने की नहीं है। किधर चलना है भाई, किधर किधर ये 8-10 किलोमीटर की। और ये मैडम तो भाई ऑलरेडी तैयार है। अरे भाई हेलमेट रह रखे हैं, हेलमेट हमें हाथ में लटका के चलना पड़ेगा। साक्षी जी के नाम से OTP 9680 22 गोदाम बैठिए मैम। नेट नहीं चल रहा क्या, क्या चक्कर है? एक्सेप्ट कर ली फिर भी एक्सेप्ट नहीं बता रही भाई। एक्सेप्ट कर तो ली थी मैंने और कैसे करूं। ओह माय गॉड सलोनी जी, लड़कियों की राइड छोटी आती है हमेशा ओला में भाई, ओला पैसा बढ़िया मारती है। किधर से चलना पड़ेगा? अरे बाबा पीछे से चलना पड़ेगा। और सलोनी मैडम हमारा इंतज़ार कर रही होगी और सलोनी मैडम को हम लेके जाने वाले हैं। और भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो यारो, आपका कमेंट आता ही नहीं है भाई। और जिसने भी लाइक नहीं किया है सबसे पहले लाइक का बटन ठोक दो, क्योंकि
मज़ा करना और मज़ा दिलवाना भाई हमारा काम है, वो भी काम करते चलो, मज़े से करते चलो। आप भी बोर नहीं हो भाई वीडियोस में? मैं कोशिश ऐसा ही करता हूँ भाई, जो भी वीडियो लाऊँ मजाक वाली लाऊँ, कॉमेडी होती रहे और भाई आपका भी टाइम पास होता रहे। आपको अर्निंग बताने वाले हैं आज हम ओला की, सिर्फ ओला ही चलाने वाले हैं, ओला पोर्टर और रैपिडो, ऊबर हम आज चलाने वाले नहीं हैं। मॉर्निंग में जा रहे हैं, इवनिंग में जा रहे नहीं हैं, 3-4 घंटे निकलते हैं, मॉर्निंग में भी ज़्यादा हम करते नहीं हैं। आपको पता है भाई कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ में, उस वजह से पूरा टाइम मैं नहीं दे पाता हूँ। यहीं पे ये पेटीएम, ठीक है, वेलकम मैडम का पेमेंट कर लिया है, ऐसे 50 रुपये राइड कर देते हैं कंप्लीट 5-स्टार रेटिंग के साथ में। और ये आ गई है, 3 किलोमीटर पिकअप करना है भाई, 3 किलोमीटर तो इसको जाना भी नहीं है। अपने पास में 600 मीटर पिकअप से राइड आ चुकी है निक्की मैडम की, और भाई हम इधर हैं उधर इनको चलना है भाई, ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे हिसाब से 1 या 1.5 किलोमीटर की राइड है ये, क्योंकि भाई जहाँ से जहाँ पे मैं बैठा था 22 गोदाम में भाई, वहाँ राइड मिलने की कोई चांस नहीं थे, तो इसलिए छोटी मोटी पिकअप करके हमने सोचा भाई निकला जाए। और अब आ तो चुके हैं, कॉल करना पड़ेगा रे बाबा। OTP 2502 निक्की अग्रवाल के नाम से ना? हाँ निक्की अग्रवाल। बैठिए। तो इस बार ऊबर का पैकेज हमने पकड़ लिया है, और ज़्यादा पिकअप नहीं भाई, 400 पिकअप थी, जितना कम पिकअप होता है हम उतना ज़्यादा भाई राइड करते रहते हैं ओला ऊबर रैपिडो। भाई ओला चलाने का वादा किया था पर भाई काम ये हुआ भाई, डिमांड में तो ओला बैक टू बैक राइड देता है, पर भाई डिमांड नहीं होती है ना तो ओला बहुत बैठा बैठा के राइड देता है भाई। उसी टाइम को ख़राब करते हुए हमने डिसाइड किया भाई ऊबर ही चलाएंगे, अब ऊबर में ज़्यादा राइड करने वाले नहीं हैं, 1 या 2 राइड करने वाले हैं, तो भाई घाटा नहीं लग जाए। वो 20 रुपये वाला जो ऊबर हमेशा काटता है कमीशन ना लेने के बदले, और भाई ऊबर पैकेज में कोई पार्सल लेके जाना है, और ये पार्सल लेके जाना है हमें हॉस्पिटल, तो अब ये भाई क्या है, टिफ़िन वगैरह या क्या है कन्फर्म करना पड़ेगा। अरे बाबा नंबर ले लो आप जिनको देना है ना। ये हॉस्पिटल पे मिल जाएंगे ना? हॉस्पिटल नहीं, आप हॉस्पिटल के बगल में ना एक कोटक महिंद्रा बैंक है। हाँ। बैंक के वहाँ पे देना है, आप कॉल कर लेना इनको। हाँ, ये बाहर आ जाएगा। कहा था ना भाई या तो टिफिन वगैरह होगा या कोई पार्सल वगैरह होगा, ये टिफिन ही है, इतना तो पता है भाई, क्योंकि हॉस्पिटल के लोकेशन आई थी तो भाई वहाँ टिफिन के अलावा कुछ जाएगा नहीं, या कुछ कपड़े वगैरह जाएंगे, बस यही 2 चीज़ें जाती है। और ओला में भाई काफ़ी टाइम से राइड नहीं आ रही है, जो भी राइड आ जा रही है वो कैंसिल हो जा रही है, इसलिए हमने भाई थक हार के ओला को कर दिया है बंद, ऊबर को कर दिया है चालू, क्योंकि बाबा पैसे कमाने आए हैं, टाइम पास नहीं करने आए हैं। और कई भाई हमसे भाई पूछते रहते हैं भाई कमेंट में कि मैं पेट्रोल वाली बाइक लूँ या फिर EV लूँ। भाई अगर आप देखो ये काम कोई फिक्स काम नहीं है, इसमें जो कभी राइड अच्छी और कभी मतलब टाइम पास करके जाना पड़ता है, तो अभी तो हाल फिलहाल के लिए राइड है, आगे के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। और कई भाइयों का ये है, अगर भाई आपके पास बाइक नहीं है और आप लेना चाहते हो, आपको नीड ही है बाइक लेना, तो भाई ले लीजिए, पर्सनली इस काम के लिए मत लीजिए भाई, जो आप पर्सनली इस काम के लिए लेना चाहते हो तो भाई मैं ना ही कहूँगा, क्योंकि इस काम का कोई भरोसा नहीं होता, कभी अच्छा काम दे देती है और भाई कभी है जो टाइम पास भी नहीं हो पाता, इतना कम राइड आती है। अभी तो हाल फिलहाल के लिए तो काफ़ी अच्छी राइड है भाई, जितना उम्मीद नहीं निकल के आता हूँ करके आता हूँ ना मैं, उम्मीद से भी ज़्यादा निकाल के लेके जाता हूँ, क्योंकि अभी राइड का मामला ज़्यादा है, अभी सर्दी के कारण ज़्यादा है, या पहले अभी चालान कम हो रहे थे उस वजह से बंदों ने चलाना बंद कर दिया है, इसका कोई कन्फर्म नहीं है, पर भाई जैसे ही राइड कम होगी तो भाई आपको 1-1.5 घंटा भी बैठना पड़ेगा, अभी तो इतना काम है भाई 1 मिनट भी नहीं बैठना पड़ता है। तो पर्सनली इस काम के लिए भाई बाइक मत लीजिए, और पेट्रोल वाली बाइक ले रहे हैं तो भाई आप सेकंड हैंड ले लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको कह दूं भाई बाइक ले लीजिए, कल को अगर काम नहीं हो पाता है तो भाई आप मुझे दोषी ठहराएंगे, भैया आपने कहा था बाइक ले लो, अभी काम बढ़िया चल रहा है, तो मैं पर्सनली इस काम के लिए तो ना ही कहूँगा। और भाई आप अगर पेट्रोल वाली बाइक ले रहे हो ना तो भाई सेकंड हैंड ही लो, अपने काम के लिए ले रहे हो तो भी और इस काम के लिए ले रहे हो तो भी भाई आराम से
20-25 हज़ार में आपको सेकेंड हैंड बाइक मिल जाएगी, उससे आप आराम से भाई अपना ये रैपिडो ओला उबर भी चला सकते हो। पर भाई जो बाइक रजिस्टर होती है ओला उबर रैपिडो में, भाई आपको मैं बता दूँ 2010 के बाद की जो भी सीरीज़ है वही रजिस्टर होगी, उसके पहले की जैसे 2009-08 उससे पहले की बाइक रजिस्टर नहीं होती है। आप ले लो और आपकी बाइक लगी नहीं तो भाई लेना बेकार है। फिर अभी खुली है फाटक और भीड़ हुई है भारी, इस भीड़ को चीरते हुए हम जाएंगे मैडम का पार्सल देने। पहले पार्सल ड्रॉप करते हैं और फिर भाई देखते हैं हम राइड कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि होम डेस्टिनेशन के पास है, हमारा मन बदल गया तो घर भी चले जाएंगे। हमने जैसा कि आपको कहा था भाई एक या दो राइड करने वाले हैं, पर भाई टाइम फिक्स हो चुका है, टाइम हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, बाहर जाने का कोई इरादा है नहीं, इसलिए हम निकल आए हैं अपने होम डेस्टिनेशन की तरफ। क्योंकि भाई आज राइड कुछ मतलब राइड तो काफ़ी थी, पर भाई ओला के चक्कर में हमने अपना टाइम ख़राब कर दिया है। भाई अगर ऊबर करते ना कम पिकअप आती और बैक टू बैक राइड मिलती जाती, बैक टू बैक ओला में भी थी पर भाई पिकअप ज़्यादा निकल रहा था, इस वजह से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो भाई टाइम हमारा ख़राब हो गया। आज का सफ़र ख़त्म करते हैं, यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड टेक केयर।